सुप्रभात मानवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। साथियों, आज हम जानेंगे एलर्जी रोग के संबंध में और इसकी कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके प्रयोग से आप निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगे। अभी तक जितने भी पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आए हैं उसमें 60-70% मरीजों का रिजल्ट मेरे पास है जो निश्चित तौर पर एलर्जी से ठीक हो गए हैं। बाकी के जो 25-30% मरीज का जो रिजल्ट है मुझे मालूम नहीं, वो दवा पूरी लिए या किसी और चिकित्सक से संपर्क किए, लेकिन जितने मरीज आए उसमें से 60-75% मरीजों का रिजल्ट पॉजिटिव आया और वे पूरी तरह से एलर्जी से ठीक हो गए। साथियों, आज मैं उन्हीं दवाओं को आपको बताऊंगा और आप अगर दवा सही ढंग से लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस समस्या से ठीक हो जाएंगे। साथियों, एलर्जी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अति संवेदनशीलता है जिसके तहत एक शरीर एलर्जेन के प्रति अति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और जो एलर्जेन है या हमारे सामने हजारों एलर्जेन हैं जो एलर्जी के कारण बनते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ मुख्य एलर्जेन के विषय में बताएंगे। साथियों, पहली है वायुजनित एलर्जेन जिसमें धूल परागकण वगैरह से बहुत लोगों में एलर्जी देखी जाती हैं। दूसरी है पशु रोष के चलते भी, जिसे पशुओं में त्वचा से त्वचा कोशिकाओं जैसे पदार्थ निकलती है, जैसे मानव शरीर में रूसी निकलती है, उससे भी बहुत लोगों में एलर्जी होती है। साथियों, तीसरी है खाद्य पदार्थों से एलर्जी, जैसे नट बीन से डेयरी उत्पाद, अंडा, मछली, ये सबसे भी बहुत लोगों में एलर्जी होती है। साथियों, कुछ लोगों में कीड़े के डंक से भी एलर्जी रहती है, जैसे ततैया, मधुमक्खी वगैरह डंक से बहुत लोगों में एलर्जी देखी जाती है। कुछ लोगों में है मेडिसिन का भी एलर्जी रहती है, जिसे अगर पेनिसिलिन जैसी कुछ मेडिसिन है जिसके अगर आप लेते हैं तो आपका शरीर इस पर प्रतिक्रिया देती है। साथियों, जो एलर्जी होती है उसमें कुछ पेड़ पौधों से भी लोगों को एलर्जी रहती है। जब एलर्जी होती है शरीर में तो कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे शरीर के स्किन पर लाल लाल चकत्ते उभर आते हैं, दमे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नाक मुंह से पानी आने लगती है, हल्का फीवर भी दिखाई पड़ने लगती है और जो दम फूलने की स्थिति है वह साथ साथ रहती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में इचिंग रहती है और इसकी सबसे बड़ी जो लक्षण है वह छींकों के साथ है दम फूलने की स्थिति अक्सर देखी जाती है। साथियों, हमें एलर्जी से बचनी है तो हमें एलर्जन जैसे चीज़ों से दूर रहनी पड़ेगी। जिस चीज़ से हमें एलर्जी है उसे हम बचें, तो एलर्जी की सबसे बड़ी बचाव का वही उपाय है। दूसरी, इसके लिए हमें कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो आज हम आपको इसके लिए बहुत ही मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन जो सटीक मेडिसिन है इस एलर्जी के लिए उसको बताने जा रहा हूँ, जिसके प्रयोग से ये जो डस्ट एलर्जी है इसको हम ठीक कर सकते हैं। साथियों, जब डस्ट एलर्जी होती है तो इसका जो लक्षण है वह हे फीवर की तरह दिखाई पड़ती है, बार बार छींकी आने लगती है, फीवर जैसा लक्षण दिखाई पड़ती है शरीर में, आँखों में खुजली, लाल जो रेडनेस है, लालीपन आ जाती है, नाकों से पानी आने लगती है, इन सब
समस्याएं डस्ट से देखने पड़ती है, दम फूलने लगती है। तो डस्ट एलर्जी का जो सबसे मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन है साथियों, इसकी पहली दवा है पोथस क्यू। आप इसे नोट कर लें, पोथस फर्स्ट मेडिसिन पोथस क्यू। इसको कैसे लेनी है आइए आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे एक साधारण अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, पोथस क्यू जो है इसे हम 20 बूंद 3 बार, 1 कप में चौथाई भाग हमको पानी लेनी है, उसमें 20 बूंद दवा गिराकर 3 बार खानी। 3 बार अगर हम इस दवा को लेते हैं, साथ में दूसरी दवा शैबाडीला 30 पावर। अगर बहुत अधिक मात्रा में छींके आ रही है, आँख नाक से पानी आ रही है और साथ में बहुत ज़्यादा छींके हैं, बहुत अधिक मात्रा में छींक हो रही है, तो आप शैबाडीला 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके डायरेक्टली टंग पर आप दे सकते हैं। ये दो दवाएं आपको बहुत जल्दी ही राहत देगी। इसे लगातार अगर आप कुछ दिनों तक लेते हैं तो ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। साथियों, तीसरी दवा है अर्सेनिक 30 पावर, अर्सेनिक एल्बम 30 पावर। इसकी 2 बूंद 3 बार करके अगर हम देते हैं, इसमें भी आँक नाक से अगर पानी आ रही है, साथ में अगर दम फूल रही हो, तो अर्सेनिक 30 पावर बहुत ही अच्छी काम करती है। अर्सेनिक एल्बम 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके दे, साथ में पोथस मदर टिंचर। साथियों, इसकी एक और दवा है एलियम शिपा 30 पावर। इसमें नाक और आँख से बहुत ज़्यादा पानी आती है, लेकिन इसमें आँख की अपेक्षा अगर नाक से अधिक पानी आ रही हो तो एलियम शिपा इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके हम पेशेंट को दे सकते हैं। साथियों, इसकी एक और दवा है इफ्रेशिया 30 पावर। इसमें भी आँख नाक से पानी आती है, साथ में छींके भी रहती है, लेकिन इसमें नाक की अपेक्षा आँख से अधिक पानी आती है, तो हम इफ्रेशिया 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके अगर पेशेंट को देते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, अरुंडो इसकी भी एक बहुत ही अच्छी दवा है, अरुंडो 30 पावर। इसको अगर हम 2 बूंद 3 बार कर पेशेंट को देते हैं जिसमें इचिंग के साथ छींके आती रहती है, तो पेशेंट इस दवा को लेने के बाद जल्द ही ठीक हो जाती है। साथियों, जो भी आप डाइल्यूशन ले पावर वाली दवा जो हम 30 पावर बता रहे हैं, उसके साथ में पोथस क्यू लेना मत भूले, यह बहुत ही अच्छी दवा है। हर डाइल्यूशन के साथ आप पोथस को लेनी है। जो भी आपको सिम्टम्स सूट कर रही हो उसमें वो डाइल्यूशन का आप चुनाव करें, साथ में पोथस मदर टिंचर 20 बूंद 3 बार लेना ना भूले। साथियों, ये बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी इसकी चिकित्सा होती है होम्योपैथ में एलर्जी का, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर इस दवा को खानी है और लगातार कुछ दिनों तक खाएं, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, उनसे ही परामर्श लेकर दवा लें, तो यह समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।